हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ेंगे और जानेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। चलिए हम सबसे पहले अंक के बारे में चर्चा करते हैं कि अंक क्या होता है, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अंक जो होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। शून्य से लेकर 9 तक के वर्ड को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? अंक है। टोटल मैथमेटिक्स में, पूरे गणित में कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है, ठीक है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इन्हीं 10ों की सहायता से, इन्हीं 10 अंक की सहायता से मैथमेटिक्स की हम कोई भी संख्या लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या, मैं यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, केवल एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहा हूँ। डिफिनीशन जिसको भी चाहिए उसको हम अलग से, मतलब इसी वीडियो में लास्ट में और इमेज के रूप में दे दिया जाएगा। वीडियो को प्यूज करके आप लोग उस डेफिनेशन को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे कि प्राकृत संख्या होता क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गिनती की संख्या को, ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या है क्या? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव तक, इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक, ठीक है। यही क्या है? गिनती की संख्या है और इसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसके बाद से होता है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या हम किसको कहेंगे? यानी कि प्राकृत संख्या में, गिनती की ही संख्या में जब हम शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, शून्य को ऐड कर देते हैं, या कह सकते हैं कि शून्य को जोड़ देते हैं, तो वो जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ए डॉट डॉट करके कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, यानी कि अनंत तक हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसको? पूर्णांक को। पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य को और ऋणात्मक तथा धनात्मक, ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या को जब हम एक साथ संग्रह करते हैं तो जो प्राप्त सिस्टम होता है, जो प्राप्त हमको संग्रह होता है, उसी संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 1, 2, 3 ए डॉट डॉट करके इधर भी अनंत तक जाता है और इधर भी ये भी क्या होता है? अनंत तक आता है। तो इस प्रकार का जो हमको सिस्टम प्राप्त होता है जिसमें प्राकृत संख्या में सम्मिलित हो, उसमें जीरो भी सम्मिलित हो, यानी कि पूर्ण संख्या भी होना चाहिए और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित हो और धनात्मक संख्या सम्मिलित हो, इस प्रकार का जो हमको सिस्टम प्राप्त होगा उस सिस्टम को, उस संग्रह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है सम संख्या। सम संख्या, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे कि सम संख्या क्या होता है। चलिए हम बता देते हैं, सम संख्या उसको कहते हैं जो संख्या या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसको सम संख्या कहते हैं। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट करके ये भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। 2 में 2 से भाग लग सकता है, 4 में भी 2 से भाग लग जाएगा, 6 में भी 2 से भाग लग जाएगा। इसमें हम भाग लगाएंगे तो इसका क्या होगा? शेषफल 0 होगा। यानी कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अगर बात किया जाए कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिए सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, अगला हेडिंग हमारा रहेगा क्या? विषम संख्या। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या किसको कहेंगे? इसका डिफिनेशन देखिए,
प्राकृत संख्या या वैसी प्राकृत संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे, वैसी प्राकृत संख्या जिसमें दो से पूरा पूरा भाग न लगे, यानी कि जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। तो दो से किस में नहीं लगेगा, एक में नहीं लगेगा, तीन में नहीं लगेगा, पाँच में नहीं लगेगा, सात में नहीं लगेगा, नौ में नहीं लगेगा, ये डॉट डॉट करके कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। यानी कि एक ऐसा संख्या है, चाहे तीन ऐसा संख्या है, पाँच ऐसा संख्या है, जिसमें हम दो से अगर भाग करते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि उसका कुछ ना कुछ शेष बचेगा। तो जब शेष बचेगा तो क्या होगा, विषम संख्या होगा, सम संख्या नहीं होगा। अगर पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो सम संख्या है, ठीक है। इसके बाद से हम चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या हम किसको कहेंगे, वैसी प्राकृत संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक होती हो, जिसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक हो, या जिसके अपवर्तकों की संख्या दो से अधिक हो, तो उस प्रकार के संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि चार छ आठ नौ दस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक। अब देखिए चार कैसे होगा भाज्य संख्या, क्योंकि चार का जब हम अपवर्तक लिखेंगे ना, अपवर्तक या गुणनखंड जब इसका लिखेंगे, चार का अपवर्तक, ठीक है, तो चार का अपवर्तक क्या होगा, एक होगा, दो होगा और चार होगा। अपवर्तक का मतलब क्या हुआ कि चार किस किस संख्या से कट जा रहा है, यानी कि किस किस संख्या से चार में भाग लग जा रहा है, वही क्या होगा, उसका अपवर्तक होगा। तो चार में हम भाग एक से लगा सकते हैं, दो से लगा सकते हैं और चार से लगा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि उसके अपवर्तकों की संख्या यहाँ पे कितनी है, तो अपवर्तकों की संख्या तीन है। तो जब दो से अधिक अपवर्तकों की संख्या होगी तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि चार छ आठ नौ दस डॉट डॉट करके ये इन्फिनेटिव तक हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार है, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, चार है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं अगला हेडिंग। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा रहेगा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है ना, ठीक भाज्य संख्या के विपरीत होता है, विपरीत मतलब ठीक उसके उल्टा होता है, यानी कि भाज्य संख्या में अपवर्तकों की संख्या कितना होता है, दो से अधिक होता है, लेकिन अभाज्य संख्या में क्या होता है कि अपवर्तकों की संख्या सिर्फ दो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वैसा प्राकृतिक संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या सिर्फ दो होता है या गुणनखंडों की संख्या सिर्फ दो होता है, तो उस प्रकार की संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह डॉट डॉट ईटी से, ठीक है, अनंत तक जाएगा ये। अब देखिए दो कैसे होगा, दो का जब हम अपवर्तक लिखेंगे ना, दो का अपवर्तक या गुणनखंड जब लिखेंगे दो का, तो दो का अपवर्तक देखिए एक होगा और दो होगा, क्योंकि एक और दो के सिवा किसी दूसरे संख्या से ये नहीं कटेगा। तीन का जब लिखेंगे ना, तो तीन का क्या होगा, एक और तीन होगा, यानी कि वह संख्या जो एक या स्वयं से कटती है, ठीक है, वह संख्या जो एक या स्वयं से कटती है, उस प्रकार के एक संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो तीन पाँच सात ईटीसी, ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। इसके बाद से हम बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसको देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे किसको। देखिए जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच दो का अंतर होता है, ठीक है, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच सिर्फ दो का अंतर होता है, उस प्रकार के संख्या को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में तीन और पाँच, पाँच और सात, ग्यारह और तेरह, ये जो संख्या है ना, इस प्रकार के संख्या को हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। अब कैसे होगा, देखिए
पांच में से तीन घटेगा तो कितना बचेगा, दो बचेगा ना, अंतर दो का हुआ। सात और पांच के बीच कितना का अंतर है, दो का अंतर है। ग्यारह और तेरह के बीच कितना का अंतर है, दो का अंतर है। यानी कि जिस दो अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर दो का होता है उस प्रकार के संख्या को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, केवल ऐसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जो संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जहां पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या हो और क्यू बराबर नहीं हो किसके, जीरो के। ठीक है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक क्या हो, दोनों पी और क्यू दोनों क्या हो, पूर्णांक हो और क्यू बराबर नहीं हो जीरो के। ठीक है, तो उस प्रकार के संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, जो बटा के रूप में अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। जैसे में लेते हैं एग्जाम्पल के जगह पे, तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, चार बट्टा तीन। अब ध्यान दीजिए, ये चार हमारा क्या हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा और क्यू का मान क्या होगा, तीन होगा। ये क्यू क्या है, जीरो के बराबर है, नहीं है, यानी कि चार बट्टा तीन हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। माइनस में पांच बटा छ, माइनस में पांच बटा छ परिमेय संख्या होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि माइनस में पांच भी क्या है, ये पी का मान है जो क्या है, एक पूर्णांक है, और यहाँ पे छ क्या है, क्यू का मान है जो क्या है, पूर्णांक है, और क्यू बराबर नहीं है किसके, जीरो के। यानी कि हमारा ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम चार को लिख दें, कहें कि चार क्या है, परिमेय संख्या की और परिमेय संख्या है, तो चार परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि चार बटा एक हम ले सकते हैं। ठीक है, अंदर रूट अगर चार हो, अगर इसको कहा जाए कि ये परिमेय संख्या क्या और परिमेय संख्या है, तो अंदर रूट चार भी परिमेय संख्या होगा। क्यों परिमेय संख्या होगा, क्योंकि चार का जब हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो दो होगा, और दो बटा एक हम ले सकते हैं, यानी कि ये अंश बटा हर के रूप में हो गया, और अंश हर का मान क्या है, जीरो के बराबर भी नहीं है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जीरो क्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जीरो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो बटा एक हम लिख सकते हैं, तो जीरो बटा एक जब लिख देंगे तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जीरो क्या है, पी का मान है, क्यू का मान जीरो नहीं ना है जी, क्यू का मान तो वन है, तो जब क्यू का मान जीरो नहीं है इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब इसके विपरीत होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ठीक इसके उल्टा। तो उल्टा का मतलब क्या हुआ, कि वैसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जहां पी और क्यू पूर्णांक नहीं होना चाहिए और क्यू बराबर होना चाहिए किसके, जीरो के, तो उस प्रकार के संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल की जगह पर हमारा हो सकता है अंदर रूट तीन, अंदर रूट दो, अंदर रूट पांच, ये क्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, पॉइंट भी निकलेगा, इसके लिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ईटीसी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद से हम चलते हैं अगला पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम कल फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये हमारा है वास्तविक संख्या, जो क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है, इसको बोलते हैं रियल नंबर, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या हम कहते हैं किसको है, थोड़ा समझ लीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अंदर रूट तीन, अंदर रूट दो, दो माइनस में चार, पाँच, जीरो, सात, ये सब क्या है, ये सब किसका उदाहरण है, वास्तविक संख्या का ही तो उदाहरण है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सब क्या है, इसका ही एक संग्रह होता है, जिस संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और चूंकि ये हमारा लास्ट रीडिंग है, इसके बाद हम लोग कल यानी कि एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, संख्या पद्धति का ही एक अगला वीडियो मिलेगा। अगर ये सारा चीज़ का डिफिनीशन अगर आप लोग को चाहिए, तो डिफिनीशन के लिए यानी कि परिभाषा जो होगा, सारा चीज़ का परिभाषा हम लोग इस वीडियो के एंड में दे देंगे। यानी कि जैसे ही ये वीडियो का यहाँ तक फिनिश होगा, उसके बाद आप लोगों को परिभाषा मिल जाएगा, उसको आप लोग वीडियो को रुका करके अच्छे से उस परिभाषा को लिख करके नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स की सहायता से आप लोग याद कर सकते हैं। थैंक यू।